सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अपनी जिंदगी में कुछ पल सुकून के लिए भी निकालिए, इंसान की जरूरतें तो कभी पूरी नहीं होती। अगर आप संकट के समय धैर्य अपनाते हो तो आप आधी लड़ाई जीत जाते हो। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़े नहीं होते। आज का पंचांग 18 मई 2022 दिन बुधवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, रात्रि 11:36 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठ नामक नक्षत्र सुबह 8:09 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:23 से 2:02 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर सुबह 8:09 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। मकर राशि 18 मई 2022 दिन बुधवार, नए कौशल और नए प्रशिक्षण आपको प्रतिस्पर्धा से अलग रखता है। कार्य स्थल में कूटनीति की आवश्यकता है, जहां आप खुद को दुश्मनों से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। दोस्तों और परिवार के साथ खाली समय बिताएं, अपनी चिंताओं से ब्रेक लें और रचनात्मक या आध्यात्मिक गतिविधियों का आनंद लें। अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर होने और कड़ी मेहनत करने के लिए समय शुभ है। आज आप जीवन के मार्ग को तलाशना चाहते हैं, आप आज अपने रोजाना कार्यों में कुछ फुर्सत के पल खुद के लिए निकालेंगे। जीवन में वो लोग असफल होते हैं जो करते हैं पर सोचते नहीं और जो सोचते हैं पर कुछ करते नहीं। इस समय ग्रह स्थिति ज्यादा अनुकूल नहीं है, परंतु आप अपने प्रतिस्पर्धा और ऊर्जा द्वारा वर्तमान परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम भी होंगे। पठन पाठन तथा लेखन में भी मन मुताबिक समय व्यतीत होगा। खास तौर पर महिला वर्ग के लिए समय अनुकूल चल रहा है। एक से अधिक अवसर आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन हर एक अवसर को वास्तविकता का रूप देना संभव नहीं है। चुनिंदा बातों पर ध्यान रखते हुए आपको काम करने की जरूरत है। लालच के कारण कोई काम अधूरा रह सकता है। आसानी से पैसा कमाने का प्रस्ताव आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसके जरिए कायदे से संबंधित तकलीफ होने की आशंका बन रही है। सही रास्ते से चलकर ही अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाना होगा। सावधानियाँ, कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। नकारात्मक बातों से राहत पाने के लिए कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों अथवा एकांत में जरूर व्यतीत करें। इससे आपको कई उलझे हुए सवालों के जवाब मिलेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। काम बनेंगे और आप मनोरंजक पार्टी करने के फुल मूड में रहेंगे। पालतू जानवर, पड़ोसी या किराएदार कबाब में हड्डी बन सकते हैं। अब समय गंभीर होकर अपने रोमांटिक जीवन के बारे में सोचने और उस पर अमल करने का। अपनी व्यस्त रोजाना जीवन से छुट्टी लेकर आराम करें। यह समय आप अपने साथी के साथ भी बिताएंगे, ताकि आप दोनों प्यार की गर्मी से अपने बीच के मतभेदों को भुला सकें। आज अपने शब्दों पर नियंत्रण भी रखें। बात करते हैं करियर की। दुश्मन या विवादों से आप कुछ समय तक विचलित हो सकते हैं, किंतु आपके इरादों को कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। दिनचर्या में परिवर्तन करके आप अपने जीवन को रोग मुक्त बना सकते हैं। याद रखें, सार्वजनिक संबंध अधिक समय लेते हैं, लेकिन यह समय फायदेमंद भी होते हैं। यह समय अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर होने और योजनाएं बनाने का है। आपको कुछ समय अकेले बिताने की सलाह दी जाती है। भाव खोने से बचे, लेकिन अपनी भावनाओं को अपने फैसले के माध्यम से व्यक्त करें। सपने देखने और उन्हें पूरा करने से पीछे ना हटें। कामकाज को लेकर की गई कोई यात्रा उत्तम भविष्य का रास्ता भी खोलेगी। बात करते हैं सेहत की। घर के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रह सकती है। अनियमित रूप से चेकअप करवाएं तथा इलाज लें। पीठ और कमर दर्द तकलीफ दे सकता है। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी को सिंदूर चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें।
आपका दिन शुभ हो।